फ्रेंड्स, नाउ स्टार्ट अवर क्लास सेकेंड सब्जेक्ट SST एंड वी चैप्टर इज गोइंग ऑन चैप्टर नंबर 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने बेटा कुछ चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें पढ़ा था क्या जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं यातायात के जो साधन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, है ना। और जो उसका फर्स्ट जो था टाइप वो हम पढ़ चुके थे, जो कि था लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो जमीन पे भूमि पे चलने वाले साधन होते हैं। ओके, जैसे कि लाइक सी दिस पिक्चर, मोटरसाइकिल, कार, बस, वैन, ट्रक, स्कूटर, ये सब क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, नाउ स्टार्ट अवर नेक्स्ट टाइप। सेकेंड है बेटा हमारा एयर ट्रांसपोर्ट, AIR, एयर, TRANSPORT। एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि हवा में के जो यातायात के साधन होते हैं उसके बारे में। ओके, AEROPLANES एरोप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन हवाई जहाज सबसे तेज गति से चलने वाला यातायात का साधन है। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर द मेन मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन और जो हेलीकॉप्टर है वो क्या है? मेन यानी मुख्य साधन है हवाई यातायात के। दे मूव इन द एयर, ये हवा में मूव करते हैं यानी एक दूसरी जगह से जाते हैं। दे कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, ये क्या कर सकते हैं हम ये हमें यात्रा करवा सकते हैं बहुत दूरी को, बहुत ही कम समय में हम इससे यात्रा कर सकते हैं। जैसे हमें कहीं बहुत दूर जाना है और हमारे पास समय कम है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स का। एरोप्लेन्स नीड अ गुड एयरपोर्ट टू लैंड एंड टेक ऑफ, जो एरोप्लेन्स होते हैं उन्हें एक अच्छे एयरपोर्ट की, हवाई अड्डे की आवश्यकता होती है टू लैंड यानी कि उतरने के लिए और टेक ऑफ यानी कि जो उड़ान लेते हैं उसके लिए। ओके, हेलीकॉप्टर्स आर यूज फॉर फ्लाइंग ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, और जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो फ्लाइंग उड़ने के लिए बहुत ही कम डिस्टेंस में जगह चाहिए होती है उन्हें, है ना। हेलीकॉप्टर यूज़ फॉर फ्लाइंग ओवर शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि एरोप्लेन को ज़्यादा जगह चाहिए होती है और हेलीकॉप्टर को कम स्पेस चाहिए होता है। दे ऑल्सो कैरी पीपल एंड गुड्स टू रिमोट एरियाज लाइक हिल्स एंड फॉरेस्ट। दे ऑल्सो कैरी यानी कि ये ले जा सकते हैं लोगों को और गुड्स यानी सामान को। जो हेलीकॉप्टर है वो क्या कर रहा है यानी कि आसपास में लोगों को भी ले जा सकता है और कुछ सामान भी ले जा सकता है टू रिमोट एरियाज लाइक हिल्स और फॉरेस्ट, जैसे कि कोई पहाड़ी क्षेत्र हो गया यानी कि या फिर कोई जंगल हो गया वहाँ पे एरोप्लेन नहीं जा सकता है तो जो हेलीकॉप्टर है वो क्या है वहाँ लोगों को भी ले जा सकता है और सामान भी ले जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट अवर टाइप इज वाटर ट्रांसपोर्ट एंड लास्ट टाइप है बेटा ये पहला लैंड ट्रांसपोर्ट, सेकंड एयर ट्रांसपोर्ट, लास्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। द मेन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आर बोट्स, स्टीमर्स, फेरीज एंड शिप्स, यानी कि जो मुख्य साधन है पानी के यातायात का वो है बेटा बोट, शिप और स्टीमर्स। ओके, एंड शिप। दे मूव ऑन वाटर, ये सभी क्या करते हैं पानी में मूव करते हैं यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बोट्स एंड स्टीमर कैरी पीपल एंड गुड्स अक्रॉस रिवर्स, जो बोट होती है यानी नाव होती है और जो स्टीमर्स होते हैं बड़े बड़े है ना वो क्या करते हैं लोगों को एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और कौन क्या सामानों को भी लोगों को भी ले जा सकते हैं और सामानों को भी एक स्थान से दूसरी पे ले जा सकते हैं। अक्रॉस रिवर्स यानी जो नदियों के आर दूसरी पार तरफ ले जा सकते हैं दूसरी तरफ। ओके, शिप्स कैरी पीपल, शिप्स लोगों को ले जा सकते हैं एंड गुड्स टू डिस्टेंस प्लेसेस अक्रॉस द सी एंड ओशियन, जो शिप्स होते हैं वो लोगों को और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं दूरी के और समुद्र और जो महासागर होते हैं ना समुद्र में और सागरों में भी यूज़ कर सकते हैं शिप्स यानी बहुत बड़े बड़े होते हैं तो ये कहाँ यूज़ कर जाते हैं समुद्रों में और सागरों में। ए प्लेस वेयर शिप्स आर लोडेड
एंड अनलोडेड इज कॉल्ड ए पोर्ट, यानी जो एक स्थान जहाँ पे शिप्स पे सामान लादा जाता है और उतारा जाता है, क्या कहलाती है वो जगह? अ पोर्ट, यानी कि एक बंदरगाह कहलाता है ना। बंदरगाह होता है वहाँ पे शिप रुकता है, उस पे सामान जो हमें भेजना होता है वो उस पे रख दिया जाता है, और जो उतारना होता है वो उतार लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू विल राइट दिस टू पैराग्राफ इन योर नोटबुक एंड रीड इट।